हेलो फ्रेंड्स, हाईफाई जी के गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अप्रैल मंथ में आने वाले इम्पोर्टेंट डे प्लस उसकी थीम के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल उड़ीसा दिवस, और 2010 में संसद में नाम बदलकर उड़िया से उड़ीसा किया गया। दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि उड़िया से उड़ीसा नाम कब किया। इसके बाद है 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और इस बार इसकी थीम थी हिंद महासागर अवसरों का महासागर। वो पहली बार 1964 में मनाया गया था। इसके बाद है 6 अप्रैल, 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों, अगर राष्ट्रीय खेल दिवस पूछ लिया जाए, वो है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। इसके बाद है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, और इस बार इसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेस एवं मिडवाइस। दोस्तों, पहली बार ये 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया था। यह WHO द्वारा मनाया जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस एडहानाम, जो कि इथोपिया के हैं। इसके बाद है 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस, और दोस्तों इस बार इसकी थीम थी सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी का बढ़ता दायरा है। इसके बाद है 11 अप्रैल, 11 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे, यानी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। दोस्तों, इस पर केंद्र सरकार ने कई योजना भी चला रखी हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, जो कि जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो जन्म के समय उनकी डेथ हो जाती है, तो उनमें कमी लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजना चला रखी हैं। इसलिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डे है, ये भी आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। यह है वाइट रिबन एयरलाइंस की भी एक पहल थी। भारत सरकार ने 2003 में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित किया है। इसके बाद है 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को मनाया जाता है भीमराव अंबेडकर जयंती। इसके बाद है 17 अप्रैल, 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। दोस्तों, इस बार इसकी थीम थी गेट इन्वॉल्व्ड। इसके बाद है 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हेरिटेज दिवस, और दोस्तों इस बार इसकी थीम थी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी, यानी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद है 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विस दिवस। इसके बाद है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। दोस्तों, इस बार जो थी 50वें नंबर की थी। दोस्तों, इस बार इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन, 1970 में पहली बार मनाया गया था। दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है कि यह पहली बार कब मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस, और इस बार इसकी थीम क्या थी। दोस्तों, ये बातें इसकी थीम, और ये कब मनाया जाता है, और ये पहली बार कब मनाया जाता है, दोस्तों ये तीनों बातें इसकी याद होनी चाहिए। दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार यही पूछा जाता है। इसके बाद है 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। इसके बाद है 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस। दोस्तों, पहली पहली बार ये जो अधिनियम है, यह ऐसा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो संसद द्वारा पारित किया गया था, और दोस्तों ये 1993 में लागू किया गया था, 1 साल बाद। इसके बाद है 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, और इस बार इसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। इसके बाद है 26 अप्रैल, 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इसके बाद है 28 अप्रैल, 28 अप्रैल को मनाया जाता है कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस, और इस बार इसकी थीम थी सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लिव्स। अप्रैल का अंतिम शनिवार इस बार था। 25 को विश्व पशु 25 तारीख को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया था। दोस्तों, इस बार जो इस मंथ का अंतिम शनिवार था, वो 25 तारीख को था, इसलिए 25 तारीख को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया था। इसके बाद है 24 से 30 अप्रैल, 24 से 30 अप्रैल दोस्तों 2 सप्ताह मनाए जाते हैं। पहला है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह, दूसरा है विश्व टीकाकरण सप्ताह। दोस्तों, विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम थी सभी के लिए टीके वर्क, यानी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।